दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Xiaomi 4 जनवरी को इंडियन मार्केट में अपने Redmi Note 13 सीरीज को लॉन्च करने वाला है, बट दोस्तों लॉन्च से पहले इसकी प्राइसिंग जो है बाहर लीक होकर आ चुकी है, जो कि आज की इस वीडियो हमको बताने वाला है और साथ में कुछ इसके हाइलाइटेड एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा और यहाँ पे हमें क्या कुछ बैंक ऑफर्स देखने को मिलने वाले हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Redmi Note 13 सीरीज के जो है कुछ यहाँ पे हाइलाइटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों तीनों ही स्मार्टफोन में, आई मीन Note 13, Note 13 Pro एंड Note 13 Pro Plus 5G, तीनों में ही जो आपको 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तीनों में ही आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। जो नोट 13 प्रो एंड प्रो प्लस है वहाँ पे आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, बट जो नोट 13 है वहाँ पे 100 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। अब 33 वाट का फास्ट चार्जिंग जो है नोट 13 में, बट प्रो एंड प्रो प्लस में जो है आपको हाइयर चार्ज देखने को मिलेगा, जहाँ पे नोट 13 प्रो में जो है 67 वाट एंड 13 प्रो प्लस में जो है आपको 120 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसर की बात करें, जो नोट 13 है वहाँ पे आपको मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 6080 चिप देखने को मिलेगा। Note 13 Pro में जो आपको Snapdragon 7S Gen 2 देखने को मिलेगा, वहीं पे Note 13 Pro Plus में जो आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 7200 Ultra देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स की कहानी थी। एंड हाँ दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो Note 13 Pro एंड Pro Plus वहां पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। यही कहानी खत्म नहीं होती है, जो Note 13 Pro Plus 5G है वहां पे आपको IP68 का रेटिंग देखने को मिल जाएगा, तो फोन वाटरप्रूफ बन जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो है काफ़ी तगड़े निकल कर आए हैं। अब स्पेसिफिकेशन इतने तगड़े हैं तो इसकी प्राइसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। तो चलिए मैं आपसे कुछ यहाँ पे इसके प्राइसिंग जो है बाहर निकल कर है वो बता देता हूँ। दोस्तों प्राइसिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो प्राइसिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फिलहाल अभी जो है बॉक्स प्राइसिंग लिखो कर आई है। अब जस्ट थोड़ा वेट कर लीजिएगा तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग भी बता दूंगा। तो देखिए बॉक्स प्राइसिंग जो है निकल कर आया है Redmi Note 13 5G का 6+128 के लिए 20,999 रुपये, मतलब 21,000 रुपये। Note 13 Pro 5G का 8+128 के लिए 29,000 रुपये और Note 13 Pro Plus 5G का 8+256 मतलब 34,000 रुपये यहाँ पे निकल कर आया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 21,000 से शुरू होता है Note 13 5G, और ध्यान दीजिएगा ये एक बॉक्स प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, बॉक्स प्राइस है। और जब एक्चुअल प्राइस जब आती है तो जो बॉक्स प्राइस रहती है उससे 3-4,000 रुपये कमी रहती है। तो आप मानकर चलिए कि जो Note 13 5G है उसकी एक्चुअल प्राइस आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पे 17-18,000 रुपये, जो कि आपको बैंक ऑफर्स लगाने के बाद 16,000-17,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं पर जो Note 13 Pro 5G है उसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाली है 25,000 रुपये के आसपास, जो कि आपको बैंक ऑफर्स के बाद 23,000 के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं पर जो Note 13 Pro Plus 5G है उसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 30-31,000 के आसपास, जो कि बैंक ऑफर्स लगाने के बाद आपको 28,000 के आसपास देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यही एक्सक्लूसिव जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था ठीक लॉन्च से पहले, और दोस्तों ये 99% कंफर्म है कि इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी, 500 रुपए या फिर 1,000 रुपए आगे पीछे हो सकते हैं, इससे ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था Redmi Note 13 सीरीज से रिगार्डिंग। और दोस्तों प्राइसिंग सुनने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि आपको अगर यही प्राइसिंग हो जाती है इस स्मार्टफोन की तो आपके स्मार्टफोन को लोगे या फिर नहीं लोगे। खैर जब ये स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा देन यहां से आपको वीडियो देखने को तो मिल ही जाएगा, बट फिलहाल यही प्राइसिंग जो है बाहर निकल कर आई थी जस्ट लॉन्च से पहले, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसा एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।